कि चुनाव के ठीक बीच में आकर इन्होंने उस विषय को ही उठाना बंद कर दिया। इन लोगों का ध्यान रखा जाने लग गया उन लोगों के द्वारा। भाई कुछ तो पिछले साल भर से लगातार पार्लियामेंट से लेकर हर मंच से कांग्रेस उनके जितने भी घटक दल हैं उनके द्वारा इन नामों का इस्तेमाल किया जाता कि भैया जो आरोप आप हम लोगों पे लगाया करते थे वो आरोप भी बेबुनियाद थे, क्योंकि अब चुनाव में तो आपने उन विषयों को उठाया नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को घेरा है। जी आपको बता दूं, जब पत्रकारों ने सवाल किया चिराग पासवान से कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग शुरू से ही घेरते हुए आ रहे हैं, हम लोगों के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर चिराग पासवान का ये कहना है कि ये लोग शुरू से ही ये करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग चुप से हो गए हैं। आखिर इसके पीछे की वजह तो है, आखिर ये लोग क्यों चुप हुए? लगातार ये लोग अडानी अंबानी का जिक्र करते नजर आए हैं, लेकिन अब ये लोग चुप से हो गए हैं। जरूर इसके पीछे का कोई वजह है, कोई हाथ है। तो आगे और क्या कुछ चिराग पासवान ने बोला है कांग्रेस पार्टी को लेकर, तो आप इस वीडियो में सुनिए कि भाई रोज जिसका नाम लेकर हम लोगों को ये लोग घेरने का काम करते थे, अडानी अंबानी रोज ऐसी बातें करते थे, तो क्या कारण है कि चुनाव के ठीक बीच में आकर इन्होंने उस विषय को ही उठाना बंद कर दिया? क्या चुनाव के वक्त इन लोगों का ध्यान रखा जाने लग गया उन लोगों के द्वारा? भाई कुछ तो कारण होगा ना। एक लंबे समय से पिछले साल भर से लगातार पार्लियामेंट से लेकर हर मंच से कांग्रेस उनके जितने भी घटक दल हैं उनके द्वारा इन नामों का इस्तेमाल किया जाता था, पर आज इन्होंने एकदम इस नाम को लेना छोड़ दिया। चुनाव के वक्त भाई समझा जाता है कि कई लोगों के द्वारा मदद की जाती है, तो क्या ऐसी मदद एक कारण है कि अब आपकी जुबान इन पे बंद हो गई है? बट बहरहाल कारण जो भी हो, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई ना कि भैया जो आरोप आप हम लोगों पे लगाया करते थे वो आरोप भी बेबुनियाद थे, क्योंकि अब चुनाव में तो आपने उन विषयों को उठाया नहीं है। हाँ भाई, ये अगर ऐसा है तो चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़े, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग अब चुप से हो गए हैं। ये लोग लगातार बोलते हुए जा रहे थे, यहाँ तक कि एक साल पहले से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग चुप से हो गए हैं। इसके पीछे का कोई हाथ है, कोई वजह है? और आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब चुनाव का एकदम आखिरी पड़ाव आया है, जब चुनाव अब एकदम लास्ट स्तर पर आ चुका है, तो अब वो लोग चुप से हो गए। इसके पीछे की जरूर कोई वजह है। आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।